आपके जेब में रखे आधार कार्ड बंद तो नहीं? कहीं आपके टेबल के दराज में रखे आधार कार्ड डीएक्टिवेट तो नहीं हो गया? ये सवाल आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको बता दूं कि आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस्तेमाल न करने पर डीएक्टिवेट हो सकता है आपका आधार कार्ड। अब सवाल ये उठता है कि कितने दिनों तक आधार कार्ड का इस्तेमाल न करने पर ये डीएक्टिवेट हो सकता है? क्या है UIDAI के आधार कार्ड इस्तेमाल करने या न करने की समय सीमा रेखा? इन सभी सवालों से भी आगे बढ़ के एक और सवाल है कि इस बात को कैसे जाने हमारा आधार कार्ड डीएक्टिवेट तो नहीं? जी हाँ, इस बात की कैसे पुष्टि होगी हमारा आधार कार्ड बंद तो नहीं? आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में एक एक करके मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एक मिनट पता कर पाएंगे कि आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट है या एक्टिवेट, बंद है या चालू। लेकिन उससे पहले श्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आधार कार्ड की अहमियत पे एक नजर डाल लेते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारी बहुमत के साथ 2019 में फिर से अपना सरकार बनाने में कामयाब हुई है। और आपको तो पता ही है मोदी सरकार हर चीज को आधार कार्ड से जोड़ रखा है। और ऐसे में यदि आपका आधार कार्ड बंद पाया गया तो आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पैसे निकालना हो तो बैंक में आधार कार्ड, पैसे डालना हो तो बैंक में आधार कार्ड, कहीं सफर करना हो तो आधार कार्ड के बिना आपका टिकट नहीं बनता, राशन लेना हो तो आधार कार्ड, हवाई टिकट लेनी हो तो आधार कार्ड, यदि स्कूल या कॉलेज में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ भी आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। इससे पता चलता है कि भारत में रहने के लिए आधार कार्ड कितना जरूरी है। और मोदी सरकार ने तो आधार कार्ड को शुरू से ही अहमियत दी हुई है। अब सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार देश में रहने वाले सभी आधार कार्ड वाले के जनधन खाते में प्रधानमंत्री आधार कार्ड योजना के तहत 52,000 रुपए भेजने वाले हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि परिवार में केवल 2 सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना का पूरा डिटेल, इस योजना का कैसे लाभ लेना है, कहाँ इसका जाके फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, इस सारे चीजों का डिटेल आपको मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में देने के बाद ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए सरकार की योजना की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल बटन दबाना ना भूले। इससे क्या होगा कि आपको सरकारी योजना की सभी जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। तो अब बात करते हैं आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI के मुताबिक यदि आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल लगातार 3 सालों तक नहीं करते हैं तो ऐसे में ये डीएक्टिवेट यानी बंद हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने यदि 3 साल तक अपने आधार कार्ड नंबर का यूज कहीं भी नहीं किया तो ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। तो चेक कीजिए आप अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड डीएक्टिवेट तो नहीं हो गया है, या आपके परिवार में किसी सदस्य का आधार कार्ड बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ है तो उसका यूज कहीं ना कहीं कर ले, जैसे बैंक अकाउंट या पैन कार्ड से इसे लिंक करवा सकते हैं। ऐसे में आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होगा। इसके अलावे आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता करें कि हमारा आधार कार्ड डीएक्टिवेट यानी बंद तो नहीं? जी हाँ, यदि आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस जानना चाहते हैं, यानी आपका आधार कार्ड बंद है या चालू है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ठीक ठीक कीजिए। एक मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, यानी आपका आधार कार्ड बंद है या चालू है। इसके लिए आपको भारत सरकार के आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। दोस्तों, ये है UIDAI यानी आधार कार्ड बनाने वाली भारतीय संस्था का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर आए आधार सर्विस पे। जी हाँ, यहाँ पर आधार सर्विस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है वेरीफाई एन आधार नंबर। अब यहाँ पे क्लिक कर अपने 12 अंकों का आधार नंबर डालें, फिर कैप्चा को सावधानी पूर्वक फिलअप करें, इसके बाद प्रोसेस का बटन दबा दें। इन सभी चीज करने के बाद आपके सामने लाल या हरे रंग का बटन आएगा, यानी हरे रंग का निशान मिला तो इसका मतलब आपका कार्ड एक्टिव है यानी चालू है।
यदि लाल दिखा तो इसका मतलब आपका आधार कार्ड बंद हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे हरे रंग का ये निशान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आधार कार्ड एक्टिव है, यानी कि चालू है। अब जानते हैं यदि हमारा आधार कार्ड बंद यानी डीएक्टिवेट हो गया है तो इसको चालू करने के लिए क्या करना होगा। इसको चालू करने के लिए आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा जो आधार कार्ड बनवाते समय आपने लगाया था। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर इनरोलमेंट सेंटर जाना होगा। वहाँ जाकर आपको आधार कार्ड अपडेट का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद फिर से आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब जाके आपका आधार कार्ड एक्टिवेट यानी चालू हो जाएगा। इन सब प्रक्रिया को करने में आपको 50 रुपए चुकाने होंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। यदि आधार कार्ड से संबंधित कोई और भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम अगले वीडियो में प्रधानमंत्री आधार कार्ड योजना से संबंधित सारी जानकारी लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें।